नमस्कार दोस्तों, चंद्र दोष सभी जानते हैं कि कोई ना कोई चंद्र दोष आपके जीवन में आ ही जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है। लेकिन चंद्र दोष होता क्या है और कैसे पता चलता है और उसके बचाव क्या हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि चंद्रमा में राहु और केतु दोनों ही शामिल हो जाए, जैसे कि राहु आ जाता है तब भी वह चंद्र दोष ही माना जाता है, और जब चंद्रमा के साथ केतु प्रवेश कर दे तो वह भी चंद्र दोष ही माना जाता है। यदि आपके जीवन में चंद्र दोष की दशा चल रही होती है तो उस समय पे आपके जितने भी कार्य होते हैं वह सभी ठप पड़ जाते हैं, जिससे आमदनी आने का जरिया होता है वह आपके जरिया टूटने लगता है, या फिर उससे आपको प्रॉफिट की जगह लॉसेस मिलने लगते हैं। जहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हैं तो उस जगह पर आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, और जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके साथ रहता है, क्योंकि पैसों की वजह से हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं। कभी भी आप अगर अपने जीवन में कुछ खरीदने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने की भी सोच रहे हैं तो उसके लिए बिना आमदनी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यह आपके चंद्र दोष ही माने जाते हैं। यह जब होता है कि जब आपके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि तो उसकी वजह से आपके चंद्र दोष की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे आपका जीवन सरलता से जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके जीवन में जितनी भी कार्यरत चीजें चल रही होती हैं वह लॉसेस में चली जाती हैं, जो प्रॉफिट में चल रहा होता है वह एक दिन में ही इतना नीचे आकर गिर जाता है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि इसका बचाव हो तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। चंद्रमा के गुरु वैसे शिव भगवान को माना जाता है। यदि आप शिव भगवान की आराधना करते हैं, यदि आपको चंद्र दोष लगा हुआ है तो उस समय आप शिव भगवान की आराधना करें, हो सके तो 108 बार महामृत्युंजय जप करें, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वह सभी ठीक हो जाए। चंद्रमा के दोष को आसानी से जब ही ठीक कराया जा सकता है जब आप अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे। हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई हादसा हो जाए जिसकी वजह से आपके जीवन में और भी ज्यादा समस्या आ जाए। यदि आप अपने समय रहते ही इन चीजों का काम करते हैं और उपाय करते हैं तो आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। तो आप महामृत्युंजय जप कीजिए ताकि चंद्र दोष आपसे हट जाए और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।